बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबदो कनाव या कस्ताइन मेरे पाकिस्तानियों जब तक ये पैगाम आप तक पहुंचेगा मुझे ये अरेस्ट कर चुके होंगे और मैं जेल में हूँगा तो मेरी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है अपील है कि आपने घरों में चुप करके नहीं बैठना मैं ये जो जदोजहद कर रहा हूँ ये अपनी जात के लिए नहीं कर रहा ये अपनी कॉम के लिए कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं आपके बच्चों के मुस्तबिल के लिए कर रहा हूं अगर आप अपने हकूक के लिए नहीं खड़े होंगे आप गुलामों की जिंदगी गुजारेंगे और गुलामों की कोई जिंदगी नहीं होती गुलाम ऐसे होते हैं जैसे चूंटियाँ जमीन पर होती हैं उनके ऊपर परवाज नहीं होती और ये बड़ी ख्वाब का नाम था पाकिस्तान नारा था ला ए ला पाकिस्तान का मतलब क्या कि हम कोई इंसान के सामने नहीं झुकते ला लाला इंसान की गुलामी से हमें आज़ाद करता है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदीना की रियासत में सबसे पहले इंसानों को आज़ाद किया था अदर और इंसाफ दे के ये है जंग इंसाफ की आपके हकूक की आपकी आजादी की और कभी भी याद रखें कोई आज़ादी प्लेट में रख के नहीं देता जिस तरह मैं कहता हूँ जंजीरें गिरती नहीं हैं तोड़नी पड़ती हैं पुरमन एहतजाज आपने करते रहना है जब तक कि आपको आपका हक नहीं मिलता और वो सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट है वोट के जरिए अपनी हुकूमत मुंतखब करना ना तो किसी और कोई कब्जा ग्रुप इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठ जाए जो आज कब्जा करके बैठा हुआ है शुक्रिया